वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आप लोग कैसे हो? मैं ऐसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो अभी अभी मैं फिलहाल चेन्नई में हुआ ही, और जो है मैं नोएडा के वैकेंसी के बारे में अपडेट करने वाला हूँ, जो कि नोटिस आप लोगों को पता ही होगा। मैं नोएडा में जॉब कर रहा था, राजस्थान भी जॉब कर रहा था, और कोलकाता में भी जॉब कर रहा था, लुधियाना भी जॉब कर रहा था। तो हर जगह का वैकेंसी अपडेट मेरे पास आते रहता है, तो मैं वैकेंसी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आप लोग जो है वीडियो पूरा बना पूरा जरूर देखिएगा। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जो भी जॉब सर्च कर रहे हैं, जो भी भाई जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब सर्च पे अनेक वीडियो लाते रहते हैं, अलग अलग कंपनी का लाते रहते हैं, और अपना भी रिव्यू भाई लाइव जाके दिखाते हैं। कोई भी कंपनी में ज्वाइन होकर लाइव जाके दिखाते हैं, जैसे कि आप लोगों को रियल फैक नहीं लगे, रियल लगे। बहुत सारे यूट्यूबर जो है कुछ पहले रुपया मांगता है या घर से बैठ के फिर कैसे अपडेट करता है, लेकिन मैं लाइव करें जीरो लोकेशन पे जाके आप लोगों को अपडेट करता हूँ। तो आप लोगों को सोचना चाहिए रियल है या फेक है। तो मैं चलिए आगे आप लोगों को दिखा रहा हूँ नोएडा के कुछ कंपनी, नोएडा एक। चलिए आप लोग वीडियो पूरा बने रहिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। मैं जो है नोएडा कुछ कंपनी का चर्चा करने वाला हूँ। चलिए इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो में डिक्सन कंपनी के बारे में बताया हूँ, इस वीडियो में भी भाई डिक्सन कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि इससे पहले सेक्टर 63 का अधिकतर मैं सेक्टर 63 का चर्चा किया हूँ, और सेक्टर 63 में भी मैं डिक्सन कंपनी में वर्क किया हूँ। ये सेक्टर 85 का डिक्सन कंपनी है। तो सेक्टर 85 में आप लोग अभी सेक्टर 85 में वैकेंसी चल रहा है, सेक्टर 85 जा सकते हैं। पहले तो आप लोगों को फेज 2 जाना पड़ेगा, वहाँ से पकड़ के सेक्टर 85 जाना पड़ेगा। और सेक्टर 85 में भी रिक्वायरमेंट चल रहा है, प्रोटेक्शन में रिक्वायरमेंट चल रहा है। आप लोग जाते हैं आईटीआई डिप्लोमा से तो भाई क्वालिटी में भी दे दिया जाएगा, लेकिन सैलरी भाई क्वालिटी में दो या प्रोटेक्शन में दो, जो सैलरी यहाँ का सैलरी सेम बनेगा। अगर आप लोग 10th 12th से हैं तो 10,088 या 10,089 रुपया बनेगा। आईटीआई है तो 11,089 बनेगा। वहीं भाई डिप्लोमा है तो 12,432 रुपया इस कंपनी में आप लोग डिक्सन में, डिक्सन 63 में भी लगते हैं, 85 में भी लगते हैं, 57 में भी लगते हैं, आप लोगों की सैलरी यही बनने वाला है। और अटेंडेंस अवार्ड थोड़ा ज़्यादा है, डिक्सन कंपनी में कुछ इंक्रीज किया है, तो अटेंडेंस अवार्ड भाई 2,000 बनने वाला है, नाइट अवार्ड 500 बनने वाला है। और जो भी मतलब आप लोग वहाँ खाना कैंटीन का उपयोग करिएगा, कैंटीन का कुछ चार्ज कटेगा, 15 रुपया प्लेट के हिसाब से कटेगा। उसके बाद अगर चाहते हैं नंबर भाई, तो नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा डिक्सन कंपनी का। उसके बाद आप लोग इस यहाँ पे एयर मतलब सेक्टर 85 प्लॉट नंबर B14 नोएडा आप लोग विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आज इंटरव्यू होने वाला है, तो आप लोग जाके इंटरव्यू दे सकते हैं और डिक्सन कंपनी में जॉब ले सकते हैं। तो यहाँ पे भाई कुछ डॉक्यूमेंट आप लोगों को, भाई अगर आप कोई कंपनी जाते हैं तो आप लोगों को यही मतलब जो भी डॉक्यूमेंट है यही डॉक्यूमेंट रिक्वायर रहेगा। तो आप लोग ये डॉक्यूमेंट कहीं पे जाते हैं, नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, राजस्थान, हरियाणा, ऑल इंडिया कहीं पे जाते हैं, और कोई अलग अदर कंट्री में जाते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट कम से कम आप लोगों को लेके जाना है। जो मेन डॉक्यूमेंट है, जो कि 4-5 मात्र डॉक्यूमेंट रहता है, जो कोई भी कंपनी विजिट करते हैं आप लोगों से मांगेगा। सबसे पहले भाई आधार कार्ड, आप कहीं जाते हैं, आप अनपढ़ भी है फिर भी आधार कार्ड मांगेगा, तो आधार कार्ड लेके जाना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार मतलब कहीं कहीं पैन कार्ड भी मांगता है, कहीं आधार कार्ड भी मांगता है, कोई कोई कंपनी में जो वोटर आईडी भी मांगता है, राशन कार्ड भी मांगता है, तो वो उतना लेके नहीं चलना है। कम से कम आधार कार्ड अगर दूर दस जाते हैं, जैसे हम लोग बिहार से बेंगलोर आए हैं, तो बेंगलोर कम से कम जो है हमें यहाँ पे पैन कार्ड और वोटर कार्ड भी लेके आना है। अगर आप लोग नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव जाते हैं तो आप लोगों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक जो है अगर क्वालिफिकेशन जो भी है, मैट्रिक, आईटीआई, डिप्लोमा जो भी है उसका मार्कशीट, और 2-4 फोटो, एक कोरोना वैक्सीन, पासबुक है फिर भी नहीं है तो सभी कंपनी में जिस दिन रिक्वायरमेंट रहता है उस दिन बैंक वाले को बुला लिया जाता है, आप लोगों को अच्छा कंपनी में अकाउंट बनवा दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि अदर कंपनी का बैंक नहीं हो या कोई और बैंक नहीं हो, मेरा एक ही बैंक रहे, तो आप लोगों को पासबुक ही लेके जाना है। कम से कम भाई आधार कार्ड और मैट्रिक का मार्कशीट, 2 फोटो, कोरोना वैक्सीन, पैन कार्ड लेके जाना है, एक अच्छा जो है आप लोगों को रिज्यूम बना लेना है, कैफे में हो या मोबाइल से हो, एक अच्छा रिज्यूम बना लेना है, उसके बाद ही कंपनी विजिट करना है। ये 4-5 डॉक्यूमेंट आप लोगों को लेके जाना है। तो चलिए ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। मिलता हूँ इस तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।